देखो अभी तो जो फॉर्म चल रही है उसमें डायरेक्ट पता है, मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा होना चाहिए, पर करके तो देख लिया करो डिफरेंशिएट। साइन 2x को डिफरेंशिएट करो कॉस 2x और 2x का 2, टेन एक्स आएगा sec स्क्वायर x, माइनस 5 का क्या हो जाएगा 0। देखा ही नहीं ना करके बिल्कुल भी, साइन 2x प्लस टेन एक्स माइनस 5, इसको t मान लो। साइन का डिफरेंशिएशन कितना था कॉस 2x, फिर 2x का कितना हो गया 2, टेन एक्स का कितना हो गया sec स्क्वायर x, 5 का हो गया 0, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया dt हो गया, हटाओ इसे पूरे 1 अपॉन t, और ये पूरा का पूरा किसमें dt में चला गया। 1 अपॉन t का क्या होता है भाई, log t प्लस c, एंड t क्या है हमारे पास log साइन 2x प्लस टेन एक्स माइनस 5 प्लस c। क्वेश्चन खत्म। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसे करने के। इस 1 को लिख लें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को लिख दें 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे ही से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया हमारे पास, ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी हो सकता है और कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी हो सकता है ना, तो हमारी मर्जी हम कुछ भी लिख लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, नीचे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा डी एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस एक्स तो प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों किया ऐसा वो भी एक स्टेप बाद पता चल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, बस इसलिए। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या कर दें, अगर हमने यहाँ पे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखा होता तो माइनस कॉमन नहीं आता, ऐसे हो जाता फिर। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स, कॉस का कितना हो गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया डी टी। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन टी डी टी, तो माइनस का लॉग टी प्लस सी, और टी क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, बस आ गया हमारे पास। इनडेफिनेट इंटीग्रल में ना आंसर अलग अलग हो सकते हैं, अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सबका आंसर अलग आए, वो डिपेंड करेगा कि तुम क्या तरीका यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन करने के। बट डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ोगे तो देखो नाम से ही डेफिनेट है, तो उसका आंसर क्या होगा, एक फिक्स्ड आंसर आएगा।